गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग कंटेंट देखेंगे वाटर के, कि कहाँ पर वाटर किस फॉर्म में हमें मिलता है, किस तरह से जो ओशियन वेव होती हैं वो क्रिएट होती है, किस तरह से सुनामीज आती हैं, किस तरह से जो ओशियनिक करंट होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो हम वाटर के बारे में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरेरियम क्या होता है। टेरेरियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल अनक्लोज्ड कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम स्मॉल हाउस प्लांट को प्लांट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत कम पानी देना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब हम एक बार वाटरिंग कर देते हैं, उसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर ही जो वाटर सर्कल है वो चलता रहता है, मतलब पहले एवोपरेशन होता है, उसके बाद कंडेंसन होके वहीं पर रेन ड्रॉप जो है, जो कंटेनर है उसकी साइड की वॉल्स पे चिपक कर नीचे चली जाती हैं। तो बार बार हमें क्या होता है बच्चों, पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर आती है? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द पिटर पिटर ऑफ रेन ड्रॉप, वाटर इन योर टैप। आपको वाटर की जो अलग अलग फॉर्म आप लोगों ने देखी हैं वो याद आती हैं, जैसे रिवर, वाटरफॉल, रेन ड्रॉप्स, और आप इवन आपका जो टैप होता है जहाँ से आप पानी निकालते हो वो भी। ठीक है, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स, कि जो रेन पडल्स होते हैं, रेन के आने के बाद जो पानी चलता है, जो नाले बन जाते हैं बरसात के पानी के, उसके अंदर चिल्ड्रन अपनी पेपर बोट जो है वो फ्लोट करना बहुत पसंद करते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो, दोपहर तक क्या होता है, जब सुबह बरसात होती है तो दोपहर तक जो पडल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो पानी कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है बच्चों, वो रेन ऑफ हो जाता है, वो क्या होता है, किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाता है। ठीक है, द सन हीट काज एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर्स, सन की जो हिट होती है उसी की वजह से वाटर वेपर्स का एवोपरेशन होता है। व्हेन द वाटर वेपर्स कम कूल डाउन, जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, ये क्या करते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, संघनन हो जाता है और क्या बना देते हैं, एक क्लाउड की फॉर्मेशन को बना देते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जब ये ठंडे हो जाते हैं, वाटर जो क्लाउड की क्रिएशन हो जाती है, उसके बाद या तो लैंड के ऊपर या ओशियन या फिर सी के ऊपर रेन या स्नो और स्लीट की फॉर्मेशन में इनका ये वापस धरती के ऊपर ही आ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमोसफेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर सर्कल, जो पानी है उसका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो ट्रैवल करता रहता है ओशियन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से फिर से ओशियन, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वाटर सर्कल बोला जाता है। ठीक है, वाटर साइकिल बोला जाता है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, हमारी अर्थ जो है वो भी एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे, जो सेंचुरीज से पहले वाटर था वही वाटर आज भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर इन 100 ईयर्स अगो, जो हरियाणा के फील्ड के अंदर पानी का इरीगेशन हो रहा है, हो सकता है वो बहुत सालों पहले कहाँ पर हो, अमेजन की रिवर में फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर पोंड स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर, जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो हैं बच्चों रिवर, पोंड, स्प्रिंग और ग्लेशियर, जो बड़े बड़े आइस शीट्स होती हैं उनको ग्लेशियर बोला जाता है बच्चों। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स साल्टी वाटर, ओशियन जो बॉडी हैं और सी हैं उनके अंदर कैसा पानी होता है, साल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और स्लाइन, जो ओशियन का पानी होता है वो साल्टी होता है या स्लाइन होता है, स्लाइन बहुत ज़्यादा साल्टी को बोला जाता है। एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में
साल्ट घुला हुआ होता है। साल्ट क्या होता है बच्चों? मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर जो साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है। और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, और या वो कॉमन टेबल साल्ट हो सकता है जो आप लोग खाते हो, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज को देखते हैं बच्चों। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। हम लोगों को पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है। इफ देयर इज सम मोर वाटर देन लैंड और दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। जब इतना पानी अर्थ के ऊपर है, इतनी अबंडेंट मात्रा में है, तो फिर क्यों बहुत सारे देश ऐसे हैं जो वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं, पानी की शॉर्टेज को देख रहे हैं। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल फॉर टू अस, क्या जो पानी सारा का सारा अर्थ के ऊपर है वो हमारे लिए अवेलेबल है कि नहीं? हमारे लिए अवेलेबल का मतलब कि हम उसको पी सकते हैं कि नहीं, हम उसको कंजप्ट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, जो आगे टेबल दी गई है उसके अंदर परसेंटेज में दिखाया गया है कि कितनी परसेंट किस वाटर बॉडी का प्रोपोर्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बच्चों, ओशियन का 97% है, आइस कैप जो होती हैं उसका 0.2। आप इसमें देखोगे बच्चों, बहुत बड़ा भाग जो है वो किस में है? ओशियन में है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सिर्फ 3% ही है हमारे पास, ठीक है, 2.7% है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास हालांकि पानी बहुत है, लेकिन फ्रेश वाटर जिसे हम कंजप्ट कर सके, जिसे हम पी सके, वो बहुत कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन आल्सो डिमॉन्ट्रेट बाय द सैम्पल एक्टिविटीज, सी एक्टिविटीज बॉक्स। एक्टिविटी बॉक्स के अंदर जो आप लोगों को एक्टिविटी दिखाई गई है उससे भी आप समझ सकते हो कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ओशियन सर्कुलेट, कि ओशियन किस तरह से सर्कुलेट करते हैं, किस तरह से सर्कुलेशन होता है। आप लोगों को पता होगा बेटा, जो लेक होती हैं उनका पानी मूव नहीं करता जितना कि ओशियन का करता है। अब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ओशियन का पानी ज़्यादा मूव करता है लेक्स के कंपेरिजन में। देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर। आप लोगों को पता है जब हम सी शोर पर चलते हैं बेयर फिट से, तो ये एक मैजिकल हमारे लिए फीलिंग होती है। द वेट सैंड ऑन द बीच, जो गीली सैंड होती है बीच के ऊपर। द कूल ब्रीज, जो ठंडी हवा चलती है। द सी बर्ड्स, जो सी बर्ड्स होते हैं। द स्मेल ऑफ साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, जो नमक है उसकी खुशबू और जो वेव आती हैं उनका म्यूजिक। आप लोगों को पता है ना बच्चों, जैसे सी शोर पे जाते हैं हमें लहरों की एक आवाज़ सुनाई देती है, उसी को म्यूजिक ऑफ द वेव बोला जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इज सो फैंटेस्टिक, हर चीज़ इतनी फैंटेस्टिक है। लाइक द काम वाटर ऑफ, अनलाइक द काम वाटर वाटर्स ऑफ पोंड एंड लेक्स, कि क्यों अगर हम कंपेरिजन करते हैं पोंड और लेक का, तो वो बहुत ही काम होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही शांत होते हैं, उनके अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, इस तरह की कोई हलचल नहीं होती। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, ओशियन वाटर जो होता है वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव, टाइड एंड करंट। ये जो यहाँ पर मूवमेंट होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, वेव, टाइड और करंट के उसमें फॉर्मेशन में। अब हम देखेंगे बच्चों कि वेव क्या होती हैं, टाइड क्या होती हैं और करंट क्या होता है, ठीक है। वेव को के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम लहरें भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन, अगर आप बीच के ऊपर बॉल से खेल रहे हो और आपकी बॉल पानी में चली जाती है तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉस्ट बैक टू द शोर बाई द वेव्स। ये देखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि रहता है कि जो बॉल है वो लहरों के द्वारा वापस सी शोर पे आ जाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, क्योंकि जो पानी है ओशियन का
वो अल्टरनेटिवली फॉल और राइज होता रहता है। दिस इज कॉल्ड वेव। यही क्या कहलाती है? वेव कहलाती है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म के दौरान, एक तूफान के दौरान, द वाइल्ड बिलो एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। अगर हवा बहुत तेज चलती है तो क्या करती है? बड़ी बड़ी वेव्स का फॉर्मेशन करती है। दीज मे काज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन। इसका क्या परिणाम हो सकता है? बहुत ही बड़ा परिणाम हो सकता है, बहुत ही बड़ा असर हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है, बहुत बड़ी बड़ी वेव आती है तो आसपास का जो सी शोर होता है उसको वो इरोड करके ले जाती है, या फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एंड अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। जो अर्थक्वेक होता है, इसका काज क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है, वाटर वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, या फिर अंडर वाटर किसी लैंडस्लाइड की वजह से भी बड़ी बड़ी वेव हो सकती हैं, बन सकती हैं। एज ए रिजल्ट अ ह्यूज टाइड वेव कॉल्ड सुनामी। इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है। दैट मे एज हाई एज 15 मीटर। वो कितनी ऊंची हो सकती है? 15 मीटर तक हो सकती है। इस फॉर्म बनी हो सकती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी इवन मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जो सबसे ऊंची आज तक की सुनामी आज तक रिकॉर्ड की गई है वो 150 मीटर की ऊंचाई वाली रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। दीज वेव ट्रेवल एट द स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर। इन ये जो ट्रेवल होती है वेव की, इसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर होती है। द सुनामी ऑफ 2004 काज वाइल्ड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। 2004 के अंदर जो सुनामी इंडिया में आई थी उसने कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। और जो इंदिरा पॉइंट है, जो हमारे देश का सबसे नीचे का पॉइंट होता है, वो जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, सुनामी के बाद क्या हो गया था? वो सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज का मतलब उसके ऊपर पानी गया और उसके बाद कभी उसका पानी उतरा ही नहीं, मतलब वहाँ पर पानी रहा, ठीक है। अब वो सबमर्ज है, मतलब पानी के अंदर समा गया है, ठीक है। टाइड्स, टाइड्स जो होती हैं, जो वेव और टाइड में बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंट होता है वो ये होता है बच्चों, जो वेव होती हैं वो हवा की वजह से होती हैं, लेकिन जो टाइड होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। टाइड हर रोज एक जैसा होता है, ठीक है, उसमें कभी इतना बदलाव नहीं आता जितना वेव में आ जाता है, ठीक है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशियन का, वो दिन में दो बार होता है, उसी को क्या बोला जाता है? टाइड बोला जाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाई राइजिंग टू इट्स हाइएस्ट लेवल। कि जब सबसे हाइएस्ट लेवल पे होता है उसको हाई टाइड बोला जाता है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसेड फ्रॉम द शोर। जब रिसेड हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है शोर से और अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, लोएस्ट लेवल पे होता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? लो टाइड बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसके काज को देखेंगे कि किस तरह से लो लेवल टाइड और हाई लेवल टाइड्स आती हैं, ठीक है। इसमें आपको दो नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, स्प्रिंग टाइड और निप टाइड, ठीक है। देखो बच्चों, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस काज द टाइड। जो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है अर्थ मून का और सन का और मून का अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसी के कारण क्या होता है? टाइड्स का निर्माण होता है, टाइड बनती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काज हाई टाइड। जब जो चांद होता है, जो चंद्रमा होता है, वो बिल्कुल पास में होता है, वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और वाटर को पुल करता है, ठीक है। उसी के इफेक्ट से क्या होता है बच्चों? टाइड का निर्माण होता है और उसी टाइम क्या होता है? हाई टाइड क्रिएट होती है। यही कारण है कि जो फुल मून नाइट होती है, फुल मून नाइट
को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसीलिए टाइड सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे, फुल मून और न्यू मून के दिन द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड आर हाइएस्ट। सन मून और अर्थ जो है वो सीधी लाइन में होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, और जो टाइड है वो हाइएस्ट होती है, सबसे ऊंचाई पर होती है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। इसी टाइड्स को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, ये फुल मून की पोजीशन है, और जो ये पोजीशन है ये न्यू मून की पोजीशन है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ इसका फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या होता है हाई टाइड होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे इस साइड से सूरज का जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और इस साइड से मून का, इसलिए ये क्रॉस कर जाते हैं और जो टाइड है वो हाई नहीं होती, उनको निफ टाइड बोला जाता है, उनको छोटी टाइड्स बोला जाता है, ठीक है। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, जो हाई टाइड होती हैं उसमें नेविगेशन में हेल्प मिलती है। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द श्योर, वो जो सी श्योर होता है उसके पास वाटर लेवल को बढ़ा देती हैं। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। ये जो हाई टाइड होती हैं इसमें लेवल बढ़ जाने के कारण जो हार्बर है उसके पास शिप्स आसानी से आ जाती हैं। हार्बर किसे कहते हैं, बंदरगाह को, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। द हाई टाइड आल्सो हेल्प इन फिशिंग, वो क्या करती हैं फिशिंग के अंदर भी हेल्प करती हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम सी शोर के पास बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं। मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, हाई टाइड के दौरान सी शोर के पास बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं। दिस अनेबल फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, ये अनेबल करता है फिशरमैन को कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैच कर सके, पकड़ सके मछलियों को। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बींग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेज, और कई जगह पर बहुत सारी, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी बच्चों। जनरली क्या होता है, जो राइज और फॉल होता है उसके साथ एक टर्बाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके साथ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। ओशियन करंट, अब तक हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, वेव्स के बारे में पढ़ा और टाइड्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ओशियनिक करंट्स के बारे में। जो ओशियन में एक ही धारा में कोई स्ट्रीम चलती है उसको हम करंट बोलते हैं बच्चों। ये ऐसा नहीं होता कि बदल जाती हैं, ये एक जैसी ही रहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की है वो हमेशा वार्म करंट ही रहेगी, जो लेब्राडोर की है वो हमेशा ठंडी ही रहेगी, ठीक है। इनमें मौसम के साथ कोई भी चेंज नहीं आता, ये एज इट इज चलती रहती हैं। ये किस वजह से होती हैं बच्चों, जो इक्वेटर के पास पानी गर्म हो जाने की वजह से वहाँ से जो वार्म करंट है वो पोल्स की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि पोल्स की तरफ ठंडा पानी है, तो वो रिप्लेस करते रहते हैं। इसमें मोमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, ओशियनिक करंट बोला जाता है। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, जो ओशियन करंट होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया बच्चों कोई चेंज नहीं होता, ये कंटिन्यूसली एक जैसे चलते रहते हैं, ठीक है। द ओशियन करंट मे बी वार्म और कोल्ड, ओशियन करंट वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशियनिक करंट ऑर्गेनाइट नियर द इक्वेटर, जनरली जो वार्म ओशियनिक करंट होते हैं वो कहाँ पर जनरेट होते हैं, इक्वेटर के पास जनरेट होते हैं एंड मूव टूवर्ड द पोल्स, और पोल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। द कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, जो कोल्ड करंट होते हैं वो पोलर से इक्वेटर की तरफ आते हैं, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ, और क्या करते हैं वो पानी कैरी करके लाते हैं ठंडा। द लेब्राडोर ओशियनिक करंट, जो लेब्राडोर का ओशियनिक करंट है इज कोल्ड करंट, वो कोल्ड करंट है, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। इसका कंपैरिजन अगर हम गल्फ स्ट्रीम से करते हैं तो वो क्या है बच्चों, वार्म करंट है, ठीक है। द ओशियन करंट
द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. ओशियनिक जो करंट होते हैं वो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कंडीशन हो किसी एरिया का टेम्परेचर होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है. वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर आवर लैंड सरफेस. वार्म टेम्परेचर करंट जो होता है वो वार्म टेम्परेचर क्रिएट कर देता है उसके पास लगते ओशियन के पास लगते लैंड के ऊपर. ठीक है. द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशरिंग ग्राउंड टू वर्ल्ड. कि जो एक ऐसा एरिया जहाँ पर गर्म और ठंडे करंट मिलते हैं वो वर्ल्ड में सबसे अच्छे फिशरिंग ग्राउंड होते हैं. वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिशरिंग की जाती है. जैसे हम देखेंगे बच्चों, सी अराउंड जापान, जापान के चारों तरफ जो सी है वो, एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है कहाँ पर बच्चों, नॉर्वे के पास. ठीक है. आर सच एग्जाम्पल, वो इस तरह के एग्जाम्पल हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, इस वजह से वहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड तैयार हो जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं. ठीक है. द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस्ड फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन. क्योंकि दो तरह की धाराएँ मिलती हैं, एक वार्म और एक कोल्ड, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, फॉग भी क्रिएट हो जाती है. उस फॉग की वजह से यहाँ पर नेविगेशन करना बहुत मुश्किल होता है. अब हम मैं आप लोगों को वो करंट दिखाने जा रही हूँ जिनकी अभी बात हो रही थी. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो नीले रंग की दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी कोल्ड करंट हैं, और जो रेड कलर में दिखाई दे रही हैं वो वार्म करंट हैं. यहाँ पर आपको लेब्राडोर ठंडी धारा दिखाई दे रही होगी, और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या है, वार्म करंट है. यहीं पर ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट होता है जहाँ पर फिशरिंग की आइडियल सिचुएशन होती है. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को एक वार्म कम करंट और एक कोल्ड करंट दिखाई दे रहा होगा. जो ओरोसियो है वो क्या है बच्चों, कोल्ड करंट है, और जो क्योसियो है वो वार्म करंट है. इसी तरह से जो जापान है, हालांकि बहुत छोटा देश है लेकिन वो सबसे ज़्यादा फिशरिंग करता है. किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर ओरोसियो जो ठंडी जल की धारा है और क्योरोसियो जो गर्म जल की धारा है वो दोनों मीट होते हैं, और यहाँ पर आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे बहुत सारी फिशरिंग यहाँ पर हो सकती है. ठीक है. ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. ओके बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ.